यार करो एक अरे तो बंद करो मेरी बात मैं आया फोन को गाड़ी खड़ी यहाँ से अरे जो आए तो गुंडे को कहाँ गए गुंडे को गए थे ये कैसे थे गुंडे कहाँ गए कहाँ गए गुंडे कहाँ गए गाड़ियाँ कैसे निकल गई यहाँ से यहाँ कोई गाड़ी नहीं वहाँ रोड नहीं गई नोट करा रहा हूँ मुख्यमंत्री के यहाँ कहाँ का राकेश सजान करेगा कोई WT में गुंडागर्दी करेगा RES में गुंडागर्दी करेगा UPSIC में गुंडागर्दी करेगा हमने इनको कितना रुपया चाहिए उसको कितना भूख है उसको बताओ ना अब कितना पैसा चाहिए उसको सब नुमाइंदा भूख सारे आधे कानपुर में तो उसके गेस्ट हाउस है उससे पेट नहीं भर रहा है आपकी पुलिस बेईमान है आपके सारे लोग बेईमान और मैं अभी चल रहा हूँ थाने में और जब तक एक एक अरेस्ट नहीं हो जाएगा चाहे तो क्यों नहीं कर सकती जब तक अरेस्ट नहीं हो जाएगा हम लोग हटेंगे नहीं वहाँ थाने में बैठेंगे ये लोग हटे क्यों नहीं ये देखिए कोई हटा नहीं कोई भागा नहीं अब ये देखिए कुछ काम रुका नहीं पुलिस इतनी शक्तिशाली होती है रक्षक बनाएगी ये स्कॉर्पियो खड़ी है शिवा भवन बहन जी ये स्कॉर्पियो खड़ी है सीओ साहब ये स्कॉर्पियो खड़ी है विधायक लिखा विधायक लिखा मतलब देखे कौन है विधायक कौन विधायक कौन है विधायक बतावे ना वो गाड़ी में बैठे हैं कौन है हम है विधायक काहे विधायक लिखा है ये प्रधान जी प्रधान है हम प्रधान है रात में अरेस्ट करो उनको एक सफारी भाग के गई है और एक स्कॉर्पियो हाँ गई है गई मेरे मुझे रास्ते में तीन गाड़ी निकली तीन गाड़ी जानबूझ के बताया गया और चार लोग यहाँ पकड़े गए हैं एक अपने आप को राकेश सचान का भांजा बताओ मैंने मुख्यमंत्री का नोट करा दिया राकेश सचान हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी कर रहा है और यहाँ पे रात में खनन जबकि खनन जो है डे लाइट में होता है माइनिंग इज नॉट अलाउड इन द नाइट ज्यादा हो रहा गांव वाले अभी माइनिंग इज नॉट अलाउड सुबह जब सन राइजिंग से लेकर सनसेट तक इट इज अलाउड गांव के आदमी मनी रात में आप जो है ये खनन नहीं कर सकते और जिस तरीके से DM साहब जो है बिना सोचे समझे खनन के जो है कदम करने के जो दे रहे हैं तो उससे क्या होगा कि गांव में अब जो है यहाँ मौत के तांडव शुरू हो जाएंगे क्योंकि पूरा गांव जब इकट्ठा है मना कर रहा नहीं मान रहे और गुंडे क्या नाम